कांग्रेस ने कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। निष्कासन के बाद प्रमोद कृष्णन ने संभल के एचोड़ा कंबो स्थित कल्की धाम से ही कांग्रेस आलाकमान पर कई आरोप लगाए तो अपने और कांग्रेस के भविष्य को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मेरे सिर पर एक बोझ था जो कि उतर गया है। मैं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का एहसानमंद हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार किया है। काफ़ी घुटन होती थी जब लोग सनातन को गाली देते थे। मेरी पार्टी चुप रहती थी और मैं इसके लिए खुद को पापी और अपराधी समझता था। सोचता था कि मैं इस पार्टी के साथ क्यों खड़ा हूँ जो कि सनातन धर्म को मिटाना चाहती है। मैं चिंतन करता था कि मैं ऐसी पार्टी के साथ क्यों खड़ा हूँ जो कि राम के निमंत्रण को ठुकराना चाहती है। बहुत पीड़ा होती थी। मैं ऐसी पार्टी के नेताओं को अपना नेता मानता हूँ जो कि अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को नेता मानना पड़ा है जो ना कि अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं और ना ही देश का सम्मान। कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस पाप से मुक्त कर दिया। भगवान राम वनवास 14 साल का था, लेकिन इस निष्कासन को भी 6 साल से बढ़कर 14 साल कर दिया जाए, जिस पर अब कांग्रेस भी पलटवार करती नजर आ रही है। प्रमोद कृष्णन पर अब खुलकर कांग्रेस निशाना साध रही है और गंभीर आरोप लगा रही है कि इसकी शुरुआत कब कहां कैसे हुई ये सबको मालूम है। अभी तक प्रमोद पर कुछ न कहने वाली कांग्रेस पार्टी प्रमोद कृष्णन पर तल्ख नजर आने लगी है और अब प्रमोद के जरिए बीजेपी को भी नसीहत दे रही है। प्रमोद कृष्णन जी बहुत दिन से तड़प रहे थे गांधी परिवार से मिलने की। समय ने दिया तो अपने मकसद में कामयाब हो गए। चुनाव चाहते थे, टिकट चाहते थे और मोदी जी की गोदी में बैठना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस को बहुत दिन से भला और बुरा कह रहे थे। जिस परिवार की बात कर रहे हैं, ऐसा परिवार पूरे संसार में नहीं मिलेगा, पूरे भारत में मिलेगा। ऐतिहासिक परिवार है। दो दो प्रधानमंत्री खो दिए हैं, इंदिरा जी के रूप में और राजीव गांधी के रूप में। तो प्रमोद कृष्ण जी जैसे और बहुत लोग हैं जो इसी लाइन में क्यू में लगे हैं। कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, वो मैं सकता हूँ धीरे धीरे भाजपा मुक्त होती जा रही है मोदी जी के इशारे पर।